ओम शांति। वर्तमान समय के प्रमाण हम सभी का बाप दादा पुरुषार्थ चेक करता है। तो बाबा यही देखते हैं कि सबसे समीप रहने वाले कौन है। मधुबन निवासी, सेवाधारी, या हॉस्पिटल निवासी, या ज्ञान सरोवर निवासी। सिंधी में बाबा कहता था कि जो चुल पर होता है वो दिल पर होता है। तो आप मधुबन के चुल पर यानी भंडारे से ही खाते हो सदैव, तो बाबा के दिल पर भी हो। तो बाबा हम सब से क्या चाहते हैं वो तो आप सब मुरलियों द्वारा सुनते ही हैं। और मैं समझती हूँ कि अवश्य उस मूल्यों द्वारा जो बाबा कहते हैं वो आपको स्पष्ट होगा और अवश्य उसी प्रमाण अपने को चेक भी करते होंगे, क्योंकि समय अगर अभी देखो तो समय तो अपनी सूचना दे रहा है। और ऐसा ही लगता है कि समय भी हमारा ही इंतजार कर रहा है, क्योंकि विनाश होना तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर किसके भी बुद्धि में आए तो विनाश होने में कोई देरी नहीं लगेगी, चाहे सिविल वार, चाहे बाहर जो युद्ध होनी है एटमक वगैरह द्वारा। लेकिन स्थापना वाले जब तक तैयार नहीं है तब तक विनाश वाले भी क्या कर सकते हैं। प्रकृति देखो बीच बीच में अपना रूप दिखाती रहती है, और जो भी निमित्त बने हुए हैं विनाश के लिए वो भी एक दो में चैलेंज तो करते रहते हैं, लेकिन चैलेंज के बाद फिर चेंज हो जाते हैं कोई ना कोई कारण से। तो हम स्थापना के निमित्त हैं, ये तो सबको पक्का है ही कि हम स्थापना के निमित्त हम ही हैं और हर एक जिम्मेवार है, क्योंकि बाबा ने पहले भी कहा है। तो बिना संगठन के कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। संगठन की शक्ति महान है। अभी भी देखो कोई भी छोटी मोटी बात होती है तो उसमें संगठित रूप में आवाज निकालने की कोशिश करती है, फिर कहो यात्रा, कहो कुछ भी, जुलूस कहो, कुछ भी कहो। तो यहाँ स्थापना के लिए भी संगठित रूप में ही हमें कार्य सफल करना है। बाबा किले का मिसाल देता है कि किला मजबूत तब होता है जब किले की हर ईंट मजबूत हो। अगर किले की एक दो ईंट भी कमजोर होंगी तो हिलेगा। तो हम सभी विश्व के रक्षा करने के निमित्त है, तो हमारा भी संगठित किला है। इसमें हर एक ईंट का महत्व है। ऐसे नहीं भाई ये तो बड़े बड़े भाई बहनों दादियों का काम है, हम तो जो दादियां कहती है वो चलते हैं। चलना तो ठीक है, क्योंकि बड़ों का रिगार्ड रखना ये तो एक मर्यादा है ब्राह्मण परिवार की, वो तो अच्छा है। लेकिन पुरुषार्थ में हर एक अपने जिम्मेवार आप है। अभी बाबा इतने समय से अव्यक्त मूल्य भी चला रहे हैं, उसको भी मैं समझती 34 साल तो हो गए होंगे, 33 तो पहले हुए। डायरेक्शन तो बाबा मूल्यों द्वारा ही देते हैं, देते तो है डायरेक्शन, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकल में लाना तो हर एक के हाथ में है। वो बाबा हमारे तरफ से या दादियां हमारे तरफ से नहीं करेंगी। पुरुषार्थ हर एक को अपने आप करना है, और पुरुषार्थ में हर एक अपने आप जिम्मेवार है। तो हर एक को ये सोचना चाहिए, चेक करना चाहिए कि समय के प्रमाण मुझे स्थापना करने वाली आत्मा का इतना ही तीव्र पुरुषार्थ है, क्योंकि समय तो तीव्र जा रहा है। ये खबरें तो मैंने सुना कि यहाँ न्यूज तो सभी बहुत रुचि से सुनते हैं, रेडियो द्वारा या किसी भी द्वारा। तो न्यूज के अनुसार भी हम देखें तो कशमकशा तो चल रही है, कहाँ तक चलेंगी। तो हमारी अपनी स्थिति तीव्र है। वो एक गीत है, किसके रो के रुका है सवेरा। ऐसे तो नहीं ये गीत हमारे से ही लग जाए। प्रकृति कर सकती है, विनाशकारी भी तैयार है, लेकिन स्थापना वाले तैयार नहीं होंगे तो वो विनाश के बाद क्या होगा। पहले तो स्थापना वाले तैयार होने चाहिए ना। ऐसे थोड़ी ड्रामा में होता है कि एक सीन पूरी हुई, दूसरे खाली खाली स्टेज रहे, ये तो होगा ही नहीं ना। दूसरा जो पार्ट स्थापना का है वो भी साथ साथ होना चाहिए ना। तो उसके लिए मैंने देखा सचमुच बाबा का प्यार हम बच्चों से बहुत बहुत दिल से है। अगर बाबा के प्यार को हम अनुभव करने बैठे तो सचमुच बाबा के प्यार के ऊपर बलहार जाए। बाबा ने अभी लेटेस्ट हम सबको बहुत अच्छी युक्ति बताई जो सबके ध्यान में मैं समझती हूँ होनी चाहिए, क्योंकि बाबा ने नोट किया हम चारों ओर के बच्चों की स्थिति को देख करके। बाबा ने ये इशारा दिया कि अभी तक भी कई बच्चों का मन संकल्प शक्ति अपने कंट्रोल में नहीं है, मन अभी भी चंचल है। चंचल का मतलब है कि यहां वहां जहां जाना नहीं चाहिए वहां भी जाता है, जहां हम मन को चाहें, जितना समय हम मन को चाहें वहां स्थित कर सके, उसी स्थिति में टिक सके। वो पुरुषार्थ बाबा ने देखा अभी तक कम है। तो बाबा का प्यार है तो बाबा ने बहुत सहज विधि बताई। आप सबको नोट होगा या कम नोट हो, ये हो सकता है, लेकिन हमको तो वो बात बहुत दिल से और सहज लगी। वो विधि क्या बाबा ने सुनाई, तो बाबा ने कहा मन को कंट्रोल ज्ञान और योग से तो बाबा युक्तियां बताई रहे हैं, और धारणा की पॉइंट्स हर एक के पास डायरी में मैं समझती हूँ बहुत ही होंगी, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में वो सभी पॉइंट्स हो और समय पर काम में आवे। हमने देखा है बुद्धि में पॉइंट्स रहना ये बहुत सहज है, चाहे डायरी में हो चाहे बुद्धि में भी हो। ये पॉइंट बाबा ने दी है। कईयों की बुद्धि बहुत अच्छी होती है पॉइंट को नोट करने में, वो भी हो सकता है, लेकिन समय पर जो वो पॉइंट जिस समय चाहिए उस समय पर हम वो पॉइंट यूज कर सके, उसकी अभी तक बहुत आवश्यकता है। यहाँ वहां की रिजल्ट भी सुनते हैं हम, तो उस अनुसार अभी संकल्प शक्ति के ऊपर विजय, क्योंकि मन है क्या, संकल्प शक्ति ही तो मन है ना, और संकल्प शक्ति के आधार से ही हमारा योग भी है, सेवा भी है। संकल्प मनमना भाव क्या है, मनमना भाव क्यों कहा है, तो मन माना संकल्प द्वारा ही तो हम योग युक्त बन सकते हैं ना, और संकल्प द्वारा ही हम अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ा सकते हैं। संकल्प द्वारा ही समस्याएं जो आती है हमारे पास उसके ऊपर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। अगर संकल्प शक्ति हमारी पावरफुल नहीं है तो छोटी सी समस्या भी हमारे लिए पहाड़ बन जाता है, और संकल्प की शक्ति अगर हमारे में है तो बड़ा पहाड़ भी हमारे लिए कुछ नहीं है, यानी समस्या हमारे लिए समस्या नहीं होती है, लेकिन समाधान स्वरूप में आगे आती है। तो संकल्प शक्ति का महत्व है। इसके लिए बाबा ने मन को बिजी रखने के लिए लेटेस्ट सहज विधि दी, मनसा सेवा में बिजी रहो। है याद आप सबको, मनसा सेवा के ऊपर बाबा ने अभी लेटेस्ट मूल्यों में हम सबको बहुत बहुत भिन्न भिन्न प्रकार से डायरेक्शन दिए। मनसा शक्ति से क्या होता है, हमने जहां तक अनुभव किया है, तो आपको और छोटे छोटे पुरुषार्थ करने की कोई जरूरत नहीं। आज काम विकार को भगाओ, आज क्रोध को भगाओ, क्रोध को भगाओ तो लोभ आ जाता है, लोभ को भगाओ तो क्रोध, ये क्या, मोह आ जाता है। मोह कोई बाल बच्चों में नहीं होता है या प्रॉपर्टी में सिर्फ नहीं होता है, लेकिन मोह अपने नेचर में भी बहुत होता है। हमने देखा है बाल बच्चों को छोड़ना, उसकी ममता निकलना बहुत सहज है, लेकिन अपने संस्कारों, जो कमजोर संस्कार है, उससे मोह निकालना बहुत मुश्किल है। जिसको हम कह देते हैं पुरुषार्थ को एक टालने के लिए कह देते हैं मेरा भाव नहीं था, लेकिन मेरी नेचर ऐसी है। जैसे वो दुनिया वाले कहते हैं ना, मैं रोता नहीं हूं लेकिन मेरी शिकिल ही ऐसी है, तो ऐसे हम लोग भी यही कह देते हैं कि मेरी नेचर है, बाकी मेरा भाव नहीं है। तो संस्कार, अपने कमजोर संस्कार, उससे मोह नहीं हो, यानी लगाओ, मोह माना लगाओ, उसके वश होना लगाव की निशानी है, वहां बार बार झुकाव जाएंगे। आपका लगाव है या नहीं है, उसके परखने की शक्ति यही है कि उस तरफ, बात तरफ, संस्कार तरफ, संकल्प तरफ या व्यक्ति तरफ, वैभव तरफ आपका बार बार लगाव उस तरफ जाएगा। ये परखने की शक्ति है कि मेरा लगाव है या नहीं। तो मोह कभी आ जाता है, कभी अवमान। अवमान तो है ही महादेव। अवमान भी कई प्रकार का है, ज्ञान का अवमान भी है, बुद्धि का अवमान भी है, गुण का अवमान भी है, कार्य का अवमान भी है। अवमान तो कई प्रकार का, हमने पहले भी सुनाया था। एक देह भान है, एक देह अवमान है, एक देह का लगाव। उस बात को मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये जो बार बार पुरुषार्थ हमको करना पड़ता है, उसमें फेल भी हो जाते हैं बार बार। इस सब पुरुषार्थ को से छूटने का जो अभी बाबा ने मनसा सेवा की बात की है, वो बहुत सहज साधन। क्यों? क्योंकि मनसा सेवा माना मन आपका बिजी रहेगा, और मन बिजी रहा क्योंकि मन बहुत चंचल बच्चे के माफिक है। बच्चे को जितने ही आप कहेंगे चुप करो, उतना ही वो और ही चंचलता दूसरे दूसरे प्रकार की करेगा। लेकिन बच्चे को अगर सुधारना है तो आजकल उसको बिजी रखने की, देखो होमवर्क ही स्कूल में इतना दे देते हैं, किताब ही इतने ढेर के ढेर, जो आप और हमने बड़े क्लास में पढ़े होंगे वो आज छोटे क्लासेस में इतने ढेर। हम तो देखते हैं पांडव भवन में सामने बस में बचे जाते हैं, इतने बेचारों का किताबों का बोझ होता है, ऐसे कांध करके चलते हैं। मैंने कहा ये तो जैसे जानवरों के ऊपर बोझ रख देते हैं, ऐसे ही बेचारों के कांध ही ऐसे, थैले लटकते भी यहाँ है पीठ में। तो क्यों देते हैं? हमने कहीं टीचर से पूछा तो बेचारों को, आप सोचो आप इतना होमवर्क कर सकते हो, उन बच्चों को जो इतना दे देते हो, इतने किताब, जो वो बेचारा देख करके ही डर जाए, ये क्यों करते हो? तो वो यही कहते हैं कि आजकल बच्चों का दिमाग बहुत तेज है भी तेज, राइट है ये। तो उस बुद्धि को बिजी रखने के लिए हमको ये करना पड़ता है। उनकी बात भी अपने रीति से तो राइट है। तो मन जो है ना, वो भी ऐसे चंचल बच्चे के माफिक है। आप देखो एक सेकंड में कहाँ कहाँ चक्कर लगा के आता है, कोई अर्थ भी नहीं होगा। अभी यहाँ से कोई आएगा ना, आधे क्लास का ऐसा कांध जाएगा, कौन आ रहा है, अभी किसने आपको ड्यूटी दी है ये, कि कौन आया है उसको जगह देनी है या क्या है। लेकिन एक आदत है मन के चंचलता की। ये तो मिसाल है छोटा सा, लेकिन कोई भी बात होगी ना, सबका अटेंशन जाएगा। अभी करना कुछ भी नहीं है। तो मन जो है वो एक चंचल बच्चे के माफिक है, समझो, क्यों 63 जन्म चंचलता में रहा है ना, आदत पड़ी हुई है। अब उस चंचल को अचल बनाना, उसको बिजी रखने की जरूरत है। और कई भाई बहन समझते हैं मनसा सेवा माना अमृत वेले जब बैठते हैं ना तभी मनसा सेवा। अभी मिलन खुद बाबा से मनाना है, खुद शक्ति अपने में भरनी है, या मनसा सेवा से दूसरे को देनी है। वो तो हमारा अमृत वेला है ही विशेष प्राइवेट मिलने का टाइम। अभी देखो साकार रूप में हम कोशिश करते हैं ना, बाबा के सामने जाए, स्टेज पर जाए, कि बाबा तो देख रहा है, दृष्टि दे रहा है, मुरली चला रहा है, स्पेशल क्या करेगा, दृष्टि तो देगा ना। लेकिन फिर भी दिल होती है आगे जाएं, बाबा कुछ एक शब्द भी बोल देवे, पर्सनल बोले, होती है ना दिल सबकी। तो आप सोचो अमृत वेला खास ब्राह्मणों के लिए विशेष बाबा ने खुले दिल से ये टाइम फिक्स किया है, अमृत वेला बाप और बच्चों के मिलन मनाने के लिए। फिर उसमें भले शक्ति लो या कुछ भी बाबा से कोई वो समस्या का हल लेना है, कुछ भी, मतलब बाबा हमारा है अमृत वेले में, जो आपको चाहिए। लेकिन मिलन मनाने का टाइम फिक्स है हमारा, ये स्पेशल भगत पीछे आएंगे। तो उस समय हम समझे मनसा सेवा करें, अरे पहले अपने को तो भरो, अपने भरने के टाइम पे दूसरों को देंगे तो अपने में को कब कौन सा टाइम लेंगे। लेकिन वास्तव में अनुभव कहता है कि मनसा सेवा चलते फिरते भी कर सकते। मन से संकल्प द्वारा शुभ भावना, शुभ कामना या जो बाबा से शक्तियां मिली है सुख की, शांति की, पवित्रता की, वो दूसरों को देना, ये है मनसा सेवा संकल्प द्वारा। जब तक आप रहम दिल नहीं बनेंगे इसके लिए, पहले वो रहम दिल का स्वरूप इमर्ज होना चाहिए। रहम अगर आपके अंदर नहीं होगा आप मनसा सेवा नहीं कर सकते। जैसे मानो किसका बहुत कोई एक्सीडेंट होता है या कुछ बेचारा गिर जाता है, तो जिसको रहम होगा ना वो उठाएगा और दूसरा ऐसे ही चलते हुए देखेगा, बेचारा गिरना नहीं चाहिए, गिर गया, बस चलो। रहम जिसको होगा वो कुछ ना कुछ सहयोग के बिना रह ही नहीं सकेगा। इसी रीति से हमारा अभी मर्सीफुल जो हमको याद है, प्रैक्टिकल में हमने देखा, हम गए थे साउथ अफ्रीका में, वहां एक प्रोग्राम था, 1000 लोगों की संख्या थी और जैसे भाषण होता है वहां तो लैंग्वेज भी 3 हो जाती है ना, हम हिंदी में बोले फिर वो इंग्लिश करे फिर इंग्लिश से स्पेन भाषा, तो टाइम बहुत लगता है। तो वहां भाषण जब पूरा हुआ तो वहां का नियम है फॉरेन का, मेजॉरिटी सब जगह ऐसे है, वो प्रसाद देते हैं लेकिन प्रसाद ऐसे नहीं देते जैसे यहाँ इंडिया में तो हम ऐसे ही खुला ही दे देते हैं ना, वहां ये है जैसे चॉकलेट के ऊपर नहीं होता है ये पन्ना लगा हुआ, ऐसे समझो वो पैक करके, एक एक चक्की होती है लेकिन पैक करके देते हैं। तो हमने कहा 1000 लोग हैं, 12 बज गए थे क्योंकि 3 लैंग्वेज थे ना। मैंने कहा ये 1000 लोग हैं तो 3-4 लाइन बनाए देने के लिए। तो अनाउंस किया भाई 3 लाइन लगेंगी, तीनों लाइन में आप प्रसाद लेके जाओ। कहने लगे नहीं हम नहीं लेंगे, हम इंडिया की जो योगी आई है ना उससे ही लेंगे। मैंने कहा 1000 लोगों को एक एक को देंगे ये तो बड़ा मुश्किल बात है। कहे नहीं हम लेंगे ही नहीं। और एक एक आया, वो तो बात तो उनकी माननी पड़ती है, तो एक एक आया। मैं समझती हूँ आधे से ज्यादा लोग थे तो वहां के ही लोग, लेकिन आधे से ज्यादा लोग जो हैं वो ऐसे नहीं, वो नीचे ऐसे हाथ करके ऐसे पाँव में लगाते हैं ऐसे करके, और क्या मर्सी 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 ये कह, मैंने समझा नहीं ये कहते क्या है, उनों की भाषा में मुझे समझ में नहीं आई ये क्या बोलते हैं। तो मैंने पास वाली से पूछा, मैंने कहा ये बोलते क्या है, कहा मर्सी बोलते। आधे के अंदाज में मर्सी 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 बोल के और ये ऐसे करके जा रहे। तो मैंने देखा, तब की बात है, उसको भी मैं समझती हूँ 10-12 वर्ष तो हो गए होंगे, तब की बात है। और आजकल तो हरेक के मन में यही है हमको कुछ सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, कुछ मिले। आजकल तो भूख और ही बढ़ गई। तो हम लोगों की मनसा सेवा का आधार जो है वो है पहले रहम दिल है। हम अगर रहम होगा हमारे को, हमारे ही भाई है, अपने है ये, ऐसे नहीं ये तो अज्ञानी है, क्रोधी है, लोभी है, ये नहीं, गिरना नहीं। कैसे भी हो, माँ होती है, कैसा भी बच्चा लूला लंगड़ा भी पैदा हो जाता है, फिर क्या करती है, माँ का रहम होता है, सेवा करती है ना। तो हम तो रहम दिल है ना, हमारे चित्र ही देखो कितने रहम दिल। तो जब तक हम रहम दिल नहीं होंगे ना, तब तक मनसा सेवा नहीं कर सकते। और मनसा सेवा हम चलते फिरते 10 मिनट मिले हमको, 5 मिनट मिले, हम मनसा सेवा कर सकती है। ये हमने अनुभव करके देखा है। क्या संकल्प से देना है ना, बस शुभ भावना, शुभ कामना आत्माओं के प्रति रखना है। और क्या करना है, जो हमारे में शक्ति मिली है बाबा से, वो देनी है बेचारों को। अंचली मात्र भी अगर सुख मिल जाए, शांति मिल जाए, बेचारे उस समय तो 5 मिनट के लिए भी खुश तो होंगे। अगर कोई बहुत दर्द में है, उसको एक गोली भी बेचारे कोई भी डॉक्टर दे देता है, आधा पौना घंटा भी उसका दर्द खत्म हो जाता है। कितनी दुआएं देते। और हमने देखा है जितनी मनसा सेवा आप करेंगे ना, उतनी आपको दुआओं का खाता जो है वो अनुभव होगा। और जैसे कोई के समझो मैं साधारण चल रही हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मेरा बैंक में है भरा हुआ अकाउंट है, अच्छा तो मैं कैसे चलूंगी, वो भरपूरता अंदर होंगी ना, पैसा तो नहीं है मेरे पास, बैंक में ही पड़ा है, परंतु है जमा, जमा का खुशी और नशा तो रहता है ना। हम बीच बीच में कर सकते हैं। और हमने तो यही वहां भी पांडव भवन में कहा, मैंने कहा एक बारी बाबा ने आपको याद होगा कहा था, तो अपनी कमाई के लिए जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो मनी बॉक्स रखते हैं। अभी 100 रुपया इकट्ठा तो बेचारे को मिलेगा नहीं, कभी माँ बाप देंगे नहीं, वो कभी 10 डालेगा, कभी 5 डालेगा, कभी। और जब भंडारी भर जाती है उनों की, और आके दादियों को कहते हैं, दादी हमारे तरफ से भोग लगाना, हमारे तरफ से भंडारी में डाल देना, कितने खुश होते हैं। देखा होगा, अनुभव किया होगा। तो बाबा कहते हैं वो तो मनी बॉक्स रखते है ना, आप टाइम बॉक्स रखो। टाइम बॉक्स रखने का है ना, आएगा ना, टाइम बॉक्स रखो। और बीच बीच में मनसा सेवा का टाइम आप फिक्स जो करते हो, वो आप अंदर में याद रखो। और रात को अपना चार्ट देखो, हमारे 2 घंटे बने, 4 घंटे बने, 6 घंटे बने, कितना टाइम मेरा मनसा सेवा का बना। और इतनी खुशी होगी आपको, ऐसे अनुभव करेंगे जैसे मेरा अकाउंट बहुत जमा हो गया। क्योंकि दुआएं रिस्पॉन्स मिलता है, खुशी होती है। चलो वो दुआ देवे नहीं देवे, लेकिन हमको बाबा के तरफ से दुआ, श्रीमत मानी उसकी दुआ कितनी बड़ी। क्योंकि बाबा ने कहा हमने किया, इसकी दुआएं कितनी है, प्रभु की दुआएं कोई कम है क्या। तो ये काम सभी को करना चाहिए, इसमें मन बिजी रहेगा। कोई भी टाइम आपको फ्री मिले, मनसा सेवा में लग, दाता बनो। लास्ट मुरली में भी क्या था, वरदानी हो आप, वरदान दो। अभी इतवार की मुरली में था ना, आज ही है, वरदाता हो आप, वरदानी बनो। और हमने तो दादी को कहा, दादी मैं वहां पांडव भवन में हम कह के आए थे, तो जिसके ज्यादा घंटे होंगे ना, समझो आज आपके हम लोगों ने 14 वर्ष में क्या किया, रेसी की ना। अगर एक ग्रुप हमारे जो बने हुए थे, एक ग्रुप कहता था मेरा योग का जमा हुआ, मेरे 8 घंटे बने, 6 घंटे बने, तो दूसरा ग्रुप कहता था कल हम 8 से 10 जरूर बनाएंगे, तुमने 6 बनाए तो हम 8 बनाएंगे। और ऐसे हम रेस करते थे। 14 साल की तपस्या और क्या की। तो मैं समझती हूँ समय के अनुसार हम काफी झंझटों से छूट जाएंगे, क्योंकि खाली बुद्धि है, खाली मन है, इसीलिए ये छोटी छोटी गलतियां हमको तो आश्चर्य लगता है कि छोटी छोटी गलतियां जो पहली पवित्रता की है उसमें भी फेल हो जाते हैं। कमाल है। तो ये क्यों होता है, कारण क्या है? हमारे मन के ऊपर कंट्रोल नहीं, वो भागता रहता है। और मनसा सेवा में बिजी रहने से आप अनुभव करके देखो कोई विघ्न आपके सामने नहीं आ सकता है। बिजी है ना, आपने नहीं सुना तो आजकल क्या करते हैं ये जो ऑफिसर लोग होते हैं, अंदर होते हैं और जो भी आएंगे तो खिटखिट करेगा ना, उसका काम नहीं चलता है तो बाहर से लिख देते हैं आउट, है ही नहीं अंदर। और हम तो ठगी नहीं करते, वो तो ठगी करते हैं, लेकिन हम तो अंतर्मुखी है, माना आउट, हम तो आउट है ही। मनसा सेवा में बिजी है तो आउट तो है ही, हम तो राइट है। अगर अपने मन को बिजी रखेंगे तो समस्या सब खत्म, क्योंकि फ्री होंगे तो माया को भी चांस मिलता है ना। अगर मन फ्री नहीं होगा तो माया आएंगी भी तो देख करके चली जाएंगी ना, उसको चांस ही नहीं मिलेगा ना अंदर आने का, मन में घुसने का। तो हमारा भी इसमें कल्याण, विश्व की आत्माओं का भी कल्याण। और दूसरा क्या है, वायुमंडल को माँ बाबा ने कहा अभी वाणी की सेवा तक इतनी आत्माओं को, विश्व की कितनी आत्माएं हैं हम देखे, एक मोहल्ला ही अपना देखे, हमारे एक एक जहां भी रहते हैं उसका मोहल्ले में ही कितने है, विश्व की तो बात ही छोड़ो। तो इतनी आत्माओं को हम क्या वाचा द्वारा सेवा कर सकेंगे? क्या सप्ताह कोर्स कराएंगे उनको? स्वयं मनसा सेवा के विश्व कल्याणकारी हम नहीं बन सकते। थोड़े थोड़े जो भी है, चलो हम दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली के कल्याणकारी बन जाएंगे, चलो वो भी 1-2 मोहल्ले के, और कोई सभी थोड़ी आते। विश्व कल्याणकारी हम कहते हैं अपने को, वो विश्व कल्याण का कार्य कैसे पूरा होगा हमारा? और जब तक विश्व कल्याण का काम पूरा नहीं हुआ है तब तक ये विनाश भी कब चालू होगा? अभी सभी कहते हैं, आप बताओ ना विनाश कब होगा? बाबा कुछ नहीं कहता है, डेट नहीं बताता है। हम कहते पहले हम तो देखे हमारा काम पूरा हुआ है, बाबा क्या कहे? हम संतुष्ट है अपनी सेवा से, विश्व कल्याण हो गए। कोई बताए हाथ उठाए जिसने विश्व कल्याण कर लिया है कोई? अभी तो रहा हुआ है बहुत काम। तो हमारा अपना काम ही जब रहा हुआ है तो बाबा को डेट क्या कहें? कहीं बाबा को विनाश हो जाए, बाबा और तैयार कर लो राजा रानी के लिए, हाँ कहे? बनना तो हम लोगों को ही है ना, इतने समय का पुरुषार्थ किया बस ऐसे ही। तो मनसा सेवा का अटेंशन अभी रखना पड़ेगा। हमने तो क्लास में कहा जिसके ज्यादा घंटे होंगे ना उसको हम प्राइज देंगे। 15 दिन के बाद, मास के बाद रिजल्ट देख करके उसको प्राइज देंगे। अब प्राइज होती क्या है, लेकिन उमंग तो आता है ना। मैंने दादी को कहा दादी आप भी प्राइज देना, कहा हाँ जरूर देंगी। तो आप प्राइज लेंगे पांडव, लेंगे प्राइज, जमा करेंगे, टाइम बॉक्स रखेंगे हाँ? जी रखेंगे, जोर से बोलो ना। हाँ जी, हाँ बहने, हाँ फायदा अपने को ही है। एक क्रोध के पीछे, लोभ के पीछे क्या टाइम, ये बचपन की बात है। अब तो बाबा कहते वान परस, वाणी से परे अवस्था में जाने का समय आ गया है। वान परस में गुड़ियों का खेल खेलेंगे क्या बचपन के? वो टाइम तो अभी पूरा हो गया। अभी वायुमंडल के हिसाब से हम लोगों को अपना पुरुषार्थ जो है ना, वो भी चेंज करना चाहिए ना। और छोटी छोटी बातों में पुरानी बातें अभी तक, ये क्या विश्व कल्याण कब होगा? और करना हमको ही है, हमारे ऊपर है। बाबा करे ना, हम ये दादिया कुछ क्लास करावे ना, दादिया कुछ वायुमंडल बनाए। अरे दादिया क्या करेंगी? ईट, किले की ईट आप भी हो, आप हिल रहे हो तो दादिया क्या करेंगी? ईट तो पक्की करो, हर एक अपनी ईट तो पक्की करो, फिर किला आप ही मजबूत हो जाएगा। हम लोग सोचते हैं किला मजबूत होना चाहिए, अभी तक ऐसा हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। चलो उसको छोड़ो, पहले अपने को तो ठीक करो। एक एक अपने को ठीक करेगा तो किला ही मजबूत हो जाएगा ना। अगर मैं एक ईंट भी कमजोर होंगी तो किला तो हिलेगा। तो एक एक ईंट पर जिम्मेवारी, अपने को जिम्मेवार समझना चाहिए। इसमें नहीं, पुरुषार्थ में मैं तो सेवादारी हूँ, मैं तो छोटा हूँ, मेरे को तो जो डायरेक्शन मिलता है उस पर चलते हैं। ये डायरेक्शन तो सबको एक ही है। चलो कर्मणा सेवा में आपको डायरेक्शन क्या भी मिलता हो, लेकिन ये तो श्रीमत का डायरेक्शन है। अपने को बाप समान बनाओ, ये कितना रोज मुरली में आता है या नहीं आता है? ये तो एक ही डायरेक्शन है, चाहे 8 दिन वाला है, चाहे 80 साल वाला भी हो, वो तो एक ही डायरेक्शन। तो उसके ऊपर हमको अटेंशन देना चाहिए। और हम दृढ़ संकल्प थोड़ा करें। क्या होता है, कोई भी बात होती है ना, उसमें इंटरेस्ट बहुत जल्दी चला जाता है, क्योंकि 63 जन्म का संस्कार है ना, तो उसके कारण उस तरफ जल्दी चली जाती है मन बुद्धि। हाँ क्या हुआ, ऐसा हुआ, होना नहीं चाहिए, ये क्यों हुआ? जैसे हम ही अब्बा बन करके चेक करते हैं क्यों होता है ऐसा। अरे अपने को तो ठीक करें, और दूसरे को देखने की जरूरत ही नहीं। अपने में जो बिजी होता है वो दूसरे को देखता है, देखने की फुर्सत होती है? भाई आप बिजी रहते हो ना हॉस्पिटल में, होती है देखने की फुर्सत? होती है, चाहे तो भी नहीं देख सकते, टाइम ही नहीं। तो ये फ्री है, मन भी फ्री है। भले हाथ से काम कर रहे हो, आप कहेंगे नहीं मैं तो सारा टाइम बिजी रहता हूँ। अरे मन बिजी है, हाथ पांव तो चल रहा है, ठीक है, लेकिन मन कहाँ है? मन घूम रहा है सारे विश्व में, उल्टे सुलटे रास्तों में। तो हाथ पांव भले चले, लेकिन मन फ्री नहीं है। फ्री है तो सब आएंगे, छोटी बातें बड़ी बातें सब आएंगे। फिर करो उसका पुरुषार्थ, फिर पुरुषार्थ करके दिल शिकस्त हो जाएंगे, कहेंगे मेरा तो इतना ही बात है, ठीक है, हम है ही अभी नए है, बड़े तो कर नहीं सकते, हम क्या करेंगे? फिर बड़ों के ऊपर डालेंगे, बड़े ही करते हैं ऐसे, हमने किया तो क्या हुआ? अभी अलबेलापन आ गए। बड़े नहीं करे छोटे, सुभान अल्लाह, जो बाबा कहते हैं वो भूल जाएंगे। दूसरी बात में कहेंगे बाबा ने कहा ना छोटे सुभान अल्लाह, तो हमको भी मिलना चाहिए ना चांस, उसमें कहेंगे। लेकिन पुरुषार्थ में कहेंगे हम तो छोटे हैं, बड़े ही करते हैं, तो हम क्या है, ठीक है, बड़े करेंगे तो हम भी करेंगे। तो ये भी तो सोना हुआ ना, तो सोए हुए को तो फिर जगना पड़ेगा ना। इसीलिए हमने जहां तक देखा है ये बहुत सहज विधि है, और इसी विधि को हम अटेंशन में रखें, ऐसे नहीं छोड़े नहीं। कोई बातें आएंगी हमारे सामने, माया को पता पड़ा ना ये अभी बिजी रहने की कोशिश कर रही है, तो वो टालने की कोशिश करेंगी। कोई ना कोई बातें आएंगी। आज के मुरली में क्या था, समस्याएं वास्तव में आपकी कमजोरी थी ना मुरली में पॉइंट, क्योंकि माया को पता पड़ जाता है कि इसमें सहन शक्ति कम है, तो वो ही रूप धारण करके आएंगी। जैसे डाकुओं को पता पड़ता है ना, तो ये दरवाजा खुला हुआ है, वहां से आएगा ना। तो माया भी जानी जाननहार तो है, वो समझ जाती है इसकी वीकनेस कौन सी है, उसी वीकनेस के भिन्न भिन्न रूप से पेपर आएगा, लेकिन भिन्न भिन्न रूप से आएगा जो आप समझ नहीं सको, समझेंगे नहीं बात है, लेकिन होगा बीज वही, उसी रूप से माया आएंगी, बार बार भिन्न भिन्न रूप में आएंगी, वही रूप आएगा, तो फिर तो आप समझ जाएंगे ना। इसीलिए भिन्न भिन्न रूप में आती है, लेकिन हमको बस चेकिंग और चेंज। बाबा ने कहा था ना, सिर्फ चेकिंग भी नहीं करना जो दिल शिकस्त हो जाओ, चेकिंग माना चेंज कर। सिर्फ जान लिया मेरे में ये कमजोरी तो है, और कई कहते हैं अष्ट शक्तियां है ना, 6 तो है, कई ऐसे समझते हैं कि 1-2 शक्ति कम हुई तो क्या है, इतनी तो है ना। लेकिन ये कई बार बाबा ने सुनाया है कि अंत में जो आपकी कमजोर शक्ति होंगी उसी रूप में फाइनल पेपर है। मानो हमारे में सामना करने की शक्ति कम है, तो लास्ट पेपर हमारा उसी ही शक्ति का आएगा और हम फेल हो जाएंगे। फिर अंत मते सुगति क्या होगी, सारा इतना 15, 20, 25, 30, 40 वर्ष का पुरुषार्थ खत्म, अंत मते सुगति होगी। है तो सेकंड का ही पेपर। अगर वो ही शक्ति हमारे में कम रही और वो ही पेपर हमारे में आएगा तो फेल। शिव बाबा भी गोल है और वो भी गोल है, चाहे शिव बाबा गोल मिले चाहे वो मिले। तो इसीलिए ये भी अलबेलापन है। कोई भी शक्ति की कमी है तो खतरनाक है, अंत में वो ही धोखा हमको मिल सकता। इसीलिए हम कहते हैं मन को बिजी रखो तो सब शक्तियां आई है। बहुत सहज विधि है, यहाँ वहां जाने ही नहीं दो ना, बिजी रखो ना, महाधानी बनो, वरदानी बनो, कुछ भी बनो, लेकिन बिजी रखो मन को। फिर पुरुषार्थ ज्यादा करने की जरूरत है। तो इसीलिए ये भी हम सबको अपने ऊपर अटेंशन रखना पड़ेगा। ठीक है, ओम शांति।